Assalamualaikum, this is RANJEET, Management Consultant in Certified Success Coach. आज हम जो आपके पास टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ साथ बहुत ही हाईली नीडेड टॉपिक है. और अभी मैं आज टीवी के साथ एक प्रोग्राम कर रहा था, उसके बाद मुझे हबीब यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट है आई एक्ट, उन्होंने भी मुझे कहा कि RANJEET यार एक प्रोग्राम करना है और जो स्टूडेंट्स के लिए जो है मतलब टीचर्स के लिए, लेक्चरर्स के लिए, ट्रेनर्स के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो. तो मैंने सोचा यार कोई ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करते हैं जिसकी आज बहुत बड़ी नीड है. तो मैंने डेनियल गोलमैन की किताब पढ़ी इमोशनल इंटेलिजेंस, तो उस पर मैंने सोचा कि यार टॉपिक बनाया जाए. तो बहुत सारी मैंने रिसर्चेस की, फोर्ब्स मैगजीन्स को मैंने टाइम दिया और उसके बाद मैंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ा, उसमें एक बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक था कि लीडरशिप थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस. और ये पीएसटीडी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट में भी ये प्रोग्राम हो रहा होता है. तो आज हम टॉपिक जिस पर बात करेंगे उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस लीड्स टू मोटिवेशन एंड शार्पन द माइंड थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस. इमोशनल इंटेलिजेंस होता क्या है? आपने हमेशा ये सुना होगा कि यार एक आईक्यू होता है, इंटेलिजेंट क्वोशेंट होता है, और इंटेलिजेंट क्वोशेंट जो है वो आपके नंबर्स, आपके एकेडमिक्स, आपकी क्वालिफिकेशन, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी के जो असाइनमेंट्स होते हैं या फिर यूनिवर्सिटी के जो नंबर्स होते हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जब आप किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेते हैं और फॉर एग्जाम्पल आप मेडिकल पढ़ते हैं या फिर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, कॉमर्स पढ़ते हैं, बैंकिंग पढ़ते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं और फैशन डिजाइनिंग करते हैं, और वो तालीम हासिल करके अपने आप को टेक्निकली क्या कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं. टेक्निकल स्ट्रॉन्ग का मतलब यह है कि यू नो द बेसिक स्किल्स, यू नो हाउ द थिंग्स कैन ऑपरेट, यू नो हाउ टू फंक्शन द थिंग्स. याद कीजिएगा, अगर आप टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हो गए और आपने इमोशनल इंटेलिजेंस को डेवलप नहीं किया तो इसका मतलब यह है कि आप उन लोगों में से हैं जो डिजर्व तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन उनके नसीब के अंदर 15% इनकम आती है, 15% रिसोर्सेस को वो हासिल कर पाते हैं, 15% कामयाब हो जाते हैं, 15% वो चीजों को अचीव कर पाते हैं. तो 85% क्या है? 85% जो चीजें हासिल होती है वो थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस से होती है. लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस 5 factors होते हैं जिनको डेवलप करना बहुत जरूरी है. उसमें से पहला फैक्टर है सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ रिपोर्टिंग, थर्ड मोटिवेशन, फोर्थ सोशल स्किल्स एंड एम्पैथी. हम इन 5 topics पे भी बात नहीं करेंगे, हम इन पे से 2 topics पे भी बात करेंगे, 3 topics हम अगली वीडियो में इस पे बात करेंगे ये चीजें क्या होती है. तो पहले पे हम बात करते हैं वो है सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस होता क्या है? सेल्फ अवेयरनेस वर्ड का मतलब है कि मैं अपने बारे में क्या जानता हूं, मेरी ऐसी कौन सी खसूसियात है, मेरी ऐसी कौन सी वीकनेसेस है, स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज लाइफ के अंदर है, थ्रेट्स ऐसी मेरी लाइफ के अंदर है जिसको मैं ओवरकम करके आगे निकल जाऊं. लोग क्या करते हैं, वीकनेसेस पे फोकस करके उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं. भाई ये दौर जो है बदल चुका है, ये 21st century है, जो डिजिटलाइज्ड दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है. भाई जो वीकनेसेस है ना सर उसको थोड़ा साइड कीजिए, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपके पास है उसी पे काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करेंगे तो आप स्पेशलिस्ट बन जाएंगे. अगर आप स्पेशलिस्ट बन गए तो लोग उस फील्ड का स्पेशलिस्ट को जब हायर करेंगे, यू विल बी रिसीविंग हाई अमाउंट ऑफ इनकम, हाई अमाउंट ऑफ योर सैलरी, बिकॉज 15% आपकी टेक्निकल स्किल था, 85% आपका क्या है, आपका वो इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे जिस चीजों को आप क्या करते हैं मैनेज करते हैं, जैसे चीजों को आप क्या करते हैं बैलेंस करते हैं. देखिए एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर कान का इलाज भी करता है, वो आंख का इलाज भी करता है, वो गले का इलाज भी करता है, वो स्किन का इलाज भी करता है, किडनी का इलाज भी करता है, वो लिवर का भी इलाज करता है. और अल्लाह ना करे कभी आपके घर में किसी भी बंदे के साथ कार्डियोलॉजी का या फिर कार्डिक कोई इश्यू होता है तो आप इसके पास जाएंगे, उस डॉक्टर के पास जाएंगे जिसको 6-8 चीजें आती हैं या फिर जिसको सिर्फ कार्डियोलॉजी के मर्ज आते हैं. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके घर में अल्लाह ना करे कभी ये सब वाकया हो, अगर हो गया हो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे. तो इमोशनल इंटेलिजेंस सेल्फ अवेयरनेस में हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ क्या करता है, रागब करता है. क्योंकि जब तक आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम नहीं करेंगे सर, कोई और आके उसी स्ट्रेंथ पे काम करके तुम्हें अपना नौकर, तुम्हें अपना स्लेव बना लेगा, और उस वक्त आपके पास वक्त नहीं होगा कि आप
टर्न बैक पार्किंग में लाइफ में रिवर्स गियर नहीं होता सर, गाड़ियों में रिवर्स गियर होता है, लाइफ में रिवर्स गियर नहीं होता।